से सिखाऊंगी बेक्ड चिकन पेनेश क्रीमी और चीजी बनकर रेडी होगा एकदम ऑसम फ्लेवर होगा तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेंगे पे एक बर्तन रखेंगे इसमें ऐड कर लेंगे ऑयल तकरीबन टू टेबल स्पून साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे बोनलेस चिकन टू फिफ्टी ग्राम चिकन को क्यूब्स में कट कर लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन वन टी स्पून और चिकन को अदरक लहसन के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे तो मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है अब हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून सोया सॉस वन टी स्पून चिली सॉस वन टी स्पून औरगेनो हाफ टी स्पून अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसको कवर करके चिकन को लो फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे तो जी मैंने 10 मिनट के लिए चिकन को हल्की आंच पे पकाया है और ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी है इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में तो चिकन निकाल लेने के बाद इसी बर्तन में हम ऐड कर लेंगे ऑयल तकरीबन टू टेबल स्पून इसमें एक छोटे साइज की प्याज को फाइन चॉप करके ऐड कर लेंगे प्याज को हल्का कच्चा पक्का सा पका लेंगे फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसन वन टी स्पून फाइन चॉप करके लहसुन को भी प्याज के साथ हो सा पका लेंगे फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे टोमेटो पेस्ट तो सिंपल हम तीन बड़े साइज के टमाटरों को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके इसमें ऐड कर लेंगे साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे नमक तकरीबन थ्री फोर टी स्पून काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून औरगेनो हाफ टी स्पून टोमेटो केचप ऐड कर लेंगे तकरीबन टू टेबल स्पून इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे पका लेंगे पंद्रह मिनट के लिए तो जी तकरीबन पंद्रह मिनट हो चुके हैं रेड सॉस जो है वो बिल्कुल तैयार है अब हम लो फ्लेम पे एक बर्तन रखेंगे इसमें ऐड कर लेंगे बटर तकरीबन वन टेबल स्पून साथ ही इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे बटर को मेल्ट होने देंगे फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे मैदा वन टी मैदे को बटर में अच्छी तरह से भून लेंगे गैस बिल्कुल लो रखेंगे और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून नमक वन फोर टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर वन फोर टी स्पून रेड चिली पाउडर वन फोर टी स्पून हाफ टी स्पून चिकन पाउडर इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मिल्क यानी कि दूध और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएंगे जैसे ही दूध में उबाल आएगा ना हमारा सॉस जो है वो थिक हो जाएगा और तैयार हो जाएगा देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी और टेस्ट सॉस जो है वो रेडी है अब हम एक खुले बर्तन में पानी उबाल लेंगे इसमें ऐड कर लेंगे सॉल्ट वन टी स्पून दो कप स्पेन पास्ता इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि पास्ता जो है वो फिफ्टी परसेंट गल जाए कुक हो जाए तो तकरीबन पांच मिनट के लिए हम इसको उबाल लेंगे और फिर हम इसको छान लेंगे अच्छी तरह से छानने के बाद हम इसको पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो स्टार्च है वो निकल जाए और पास्ता आपस में चिपके ना अब गैस आपको ऑन नहीं करनी है जो हमने टोमेटो सॉस बनाया था उसमें हम पास्ता ऐड कर लेंगे इसके ऊपर ऐड कर लेंगे जो वाइट सॉस हमने बनाया था चिकन के कुक किए हुए चंक्स ऐड कर लेंगे और जस्ट हम इसको मिक्स कर लेंगे हम इसको यहाँ पे पकाना नहीं है जस्ट हम इसको मिक्स कर रहे हैं खुला बर्तन है इसके लिए वरना ये काम जो है वो आप किसी बोल में भी कर सकते हैं इस तरह से जस्ट हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सॉस जो है वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अब हम पास्ता को इस तरह से एक अवन सेफ डिश में निकाल लेंगे इस तरह से अच्छे से और इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे चीज तो यहाँ पे मैं मोजरेला और चेडर चीज दोनों इस्तेमाल कर रही हूँ चीज़ ऐड करके अच्छी तरह से अब हम इसको कर लेंगे बेक तो हम इसको 20 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे 180 पे ये अच्छी तरह से ना एकदम रेडी हो जाएगा चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो जी मैंने तकरीबन 20 मिनट्स के लिए पास्ता को बेक कर लिया है और ये बहुत ही डिलिशियस सा रेडी हो चुका है ये देखिए बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस बन के रेडी हुआ है इसको हम गर्मा गर्म, गर्म सर्व कर लेंगे तो जी बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस हमारा बेक्ड पैने पास्ता जो है वो रेडी है इसका फ्लेवर बहुत ही डिलिशियस होता है अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में अल्लाह हाफिज